करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारा माइक कंट्रोल हो चुका है। जैसे देखिए ये माइक मेरा कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, और जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पीड आगे पीछे हो रही है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अपने फ़ोन लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे अगर आप कभी भी वॉइस रिकॉर्ड करते हो, या फिर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ आप चाहते हो कि आप अपनी वॉइस भी इस टाइम पर रिकॉर्ड करो, तो दोस्तों अक्सर क्या होता है आप जब अपने लैपटॉप पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें जो माइक होता है, जो माइक्रोफोन होता है उसमें इंटीग्रेटेड होता है, उसमें अक्सर क्या होता है आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ पाती, या फिर अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो अपने लैपटॉप से तो भी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने बोया माइक, हाँ दोस्तों ये बोया माइक सबसे अच्छा माइक होता है दोस्तों, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स, ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स इस बोया माइक को यूज़ करते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आप ये अपने बोया M1 माइक को अपने PC पे कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है पराग और आपका स्वागत है हमारे टैग बाय पराग चैनल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो माइक देख सकते हो यहाँ पे, ये माइक है मेरे पास, ये 3.5 mm जैक है ये माइक है। और दोस्तों ये सब तो बाद में, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, जब भी आप अगर आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो मोड दिए हुए हैं कैमरा और स्मार्टफोन के लिए। तो हमेशा इसको क्या करना है आपको, कैमरा वाले मोड पे कर देना है, ऊपर की तरफ आपको कैमरा वाले मोड पे कर देना है। कैमरा मोड पे करने का दोस्तों आपका यहाँ पे काम हो चुका है, हम इसको अनलॉक कर लेते हैं लैपटॉप को। दोस्तों बाकी चीज़ें साइड में रखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये 3.5 mm जैक है, इसको आपके लैपटॉप पे कनेक्ट करना है, यहाँ 3.5 mm जैक है। दोस्तों अगर आप चाहो तो जो अगर आपके डेस्कटॉप है तो उसमें भी हेडफोन मोड आपको देखा बना होता है माइक वाला, वहाँ पर आपको उसको कनेक्ट कर देना है। दोस्तों कनेक्ट करने के बाद सिंपली क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, माइक क्लिक करना है, माइक पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको ऑन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली दोस्तों ऑन हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों आप इसे मेन मेन्यू में जाके देख सकते हैं कि स्पीकर पर आपकी कितनी वॉइस आएगी, माइक्रोफोन आप इसको फुल कर सकते हो या आप बोलोगे तो, या फिर यहाँ पे सेटिंग पे भी जाके आप और भी ज़्यादा माइक्रोफोन यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कितने बीट्स पे चाहिए आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो, कितना मेन वॉल्यूम चाहिए रीसेट कर सकते हो, नॉइस अगर आपको कंट्रोल करना है थोड़ा सा तो वो कर सकते हो। और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे स्पीकर में बता दूँ तो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट पे देख सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, वॉइस आ रही है थोड़ी सी, इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ जो ऑटोमेटिकली खुलता है दोस्तों, मैं वो बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है, स्टार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे नॉर्मली चले जाना है, यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है माइक। माइक सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइक्रोफोन सेटअप, आपको इसमें चले जाना है। माइक्रोफोन सेटअप पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, और जैसे ही आप यहाँ गेट स्टार्ट करोगे दोस्तों, मेन पॉइंट यहाँ पे है, आप ये बाकी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे अलग से अगर आप डिवाइस करना चाहो तो वो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, जैसे ही मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक किया दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है। नीचे आप एक आइकन देख सकते हो, यहाँ पे आ चुका है ये वाला आइकन देख सकते हो, ये ऑटोमेटिकली विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। विंडो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली विंडो ओपन हो चुकी है, एक यहाँ पे आई कैन नॉट हियर कंट्रोल वाले में वो जो दो ऑप्शन थे, आपको पहले वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोफोन और स्टीरियो स्पीकर, दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान पे देखना है, अगर माइक्रोफोन देख करना है तो आपने जो माइक कनेक्ट किया है उसके उस पर आएगा, और स्टीरियो स्पीकर जो यहाँ पे आपके जो दिए रहते हैं उससे आएगा, जो आप अगर स्पीकर पे देखोगे तब, तो आप दोनों में से कुछ भी एक कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने नेक्स्ट पे किया, सेटअप माइक आपको यहाँ पे करना है, स्किप मत करना दोस्तों, सेटअप माइक पे आपको क्लिक करना है। सेटअप माइक पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारा माइक कंट्रोल हो चुका है। जैसे देखिए ये माइक मेरा कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, और जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पीड आगे पीछे हो रही है, जो कुछ भी बोलूँगा वहाँ पे स्पीड हो रही है। और अगर मैं चिल्लाऊंगा, जैसे मैं लाउड बोल रहा हूँ आके यहाँ पे, तो एकदम से वहाँ देखिए वहाँ पे लाउड हो गया है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना सेटअप कर सकते हो। और जैसे बाय डिफॉल्ट आपको, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, ये ShareX है, मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ShareX है, ShareX पे आने का, अगर आप वहाँ पे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, यहाँ पे आ गए, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे, स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है।
अब मैं इसको जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब चालू हो चुकी है दोस्तों, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो वाले इधर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। और दोस्तों मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होता है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ये बंद हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्क्रीन को वॉइस रिकॉर्ड कर सकते। आई होप भाई आप वीडियो पर देख के समझ गए होगी कि आपको अपने बोया एंगल माइक को कैसे कनेक्ट करना है अपने पीसी के साथ में। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है, मैंने जितना इजी में वे में आपको बता सकता था मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया कि आप कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हो, और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उस टाइम पर भी आप कैसे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो सिंपली इसको कनेक्ट करके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहते हैं। दोस्तों आपका हमेशा एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को हमेशा मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।